लद्दाख, लद्दाख ऐसे एक टाइटल है जिसके लिए हर कोई सोचता है, हर कोई जाने का तपस्या करता है, हर कोई जाने को उम्मीद करता है, बट लोगों का मन में एक गलत फैमिली टाइप एक पल गया है. लाइक पीपल लाइक यू नो अ मीडियोकर फैमिली और अ पीपल हु डजंट बिलोंग फ्रॉम अ ग्रेट क्लास, दे ऑलवेज हैव गॉट अ नोशन that Ladakh is beyond their reach. It is only a rich man's game. So that आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो मैं प्रूव कर दूंगा लद्दाख इज एक्चुअली अ मीडियोकर गेम. इट्स अ ड्रीम फॉर ऑल इंडियन राइडर्स और ऑल इंडियन ड्राइवर्स. सो वेलकम बैक टू अवर चैनल एवरीवन. आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सो ये जो टॉपिक है लद्दाख, ये हमेशा लोगों का मन में एक चीज़ हो गया है कि इफ़ आई डोंट ओन अ बाइक लाइक ट्रायम्फ, इफ़ आई डोंट ओन अ बाइक लाइक कावासाकी, इफ़ आई डोंट ओन अ बाइक लाइक डुकैटी और मे बी कोई और BMW, आई कैन नॉट गो टू लद्दाख. माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि लद्दाख एक्चुअली हर कोई जा सकता है. खास करके 2017 के बाद जो जितना भी लद्दाख के बारे में सीरीज आपने YouTube में टाइप करके देख लो, YouTube जस्ट ओपन करो, जस्ट टाइप लद्दाख ट्रैवल, यू विल गेट लॉट ऑफ व्लॉगर्स हु हैव एक्चुअली गॉन टू लद्दाख एंड देयर आर मेनी बिग बाइकर्स हु हैव गॉन टू लद्दाख. दे हैव गिवन देयर एक्सप्लेनेशन, देयर डिटेल्स, देयर एवरीथिंग. लद्दाख के बारे में हर चीज़ आपको इंटरनेट पर मिलता है. अगर आप उसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, अ बिग बाइक फैमिली ग्रुप, देन दिस वीडियो इज नॉट एग्जैक्टली फॉर यू. सो प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो, यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज विच आर मच मोर इंटरेस्टिंग. आज मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ, दिस इज एक्चुअली फॉर नॉर्मल पीपल जिसके पास हीरो या तो होंडा या तो डोमिनार या तो मे बी अ KTM, इन सब बाइकर्स के लिए आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ, विच इज लद्दाख ट्रिप. नाउ लद्दाख ट्रिप के ये जो एपिसोड है, ये मैं दो भाग में डिवाइड करूँगा. वन इज मोटरसाइकिल, द बेसिक इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट यू रिक्वायर टू गो टू लद्दाख इज मोटरसाइकिल. द सेकंड इज योर हेल्थ, द थर्ड इज थिंग्स टू कैरी एंड द फोर्थ इज राइडिंग गियर्स. तो ये अगर एक व्लॉग में बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा. मैं बड़ा सिंपल सा तरीका से दो व्लॉग में इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करके बात करूंगा. आज जो बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट मोटरसाइकिल्स एंड वी विल टॉक अबाउट हेल्थ. तो बैक टू माय वाइट बोर्ड, क्योंकि वाइट बोर्ड में समझाने का मजा ही कुछ अलग है एंड यू गाइज कैन राइट इट डाउन और स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर मोबाइल से निकाल के फोटो खींच लो, ये सब कर सकते हो. एंड देन व्हेन यू प्लान फॉर योर लद्दाख, यू कैन ऑलवेज रिमेंबर माय व्लॉग दैट सेज अबाउट अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ लद्दाख. बड़े बड़े मैं यूट्यूबर्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जो दे गो लाइक दे टेक देयर ट्रायम्स, दे टेक देयर डुकाटीज, दे ट्रेक देयर कावासाकीज. नो, आप हीरो लेके जाओ, आप होंडा लेके जाओ, आप यूनिकॉर्न लेके जाओ. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल who belongs from my class. My dear friend, I belong from that class. So, aaj ka video
उसी के बारे में शुरू करते हैं। तो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। पहला जो टॉपिक होगा उसके बारे में बात करते हैं, विच इज कॉल्ड मोटरसाइकिल्स। वेल गाइज, ओवर टू द व्हाइट बोर्ड। जैसे हमने लिखा है, लद्दाख प्रिपरेशन वुड बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। आज का जो पार्ट होगा विल ओनली टॉक अबाउट मोटरसाइकिल्स एंड हेल्थ। मोटरसाइकिल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज बिग बाइक्स दैट पीपल टेक, दैट ट्रायम्स एंड डुकाटीज एंड ऑल। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी ऑर्डिनरी बाइक, लाइक आप चलाते हो, मैं चलाता हूँ, आई राइड अ KTM, यू माइट राइड अ एनी काइंड ऑफ स्मॉल बाइक्स। तो टुडे लेट्स टॉक अबाउट अ स्मॉल बाइक एंड लद्दाख प्रिपरेशन। लद्दाख सिम्स टू बी वेरी इजी बिकॉज आजकल यूट्यूब में जैसे आप टाइप करते हो, यू गेट हेल लॉट ऑफ वीडियोज फ्रॉम बिग पीपल, बिग यूट्यूबर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज काइंड ऑफ वीडियोज, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी सिंपल, जो बजाज पल्सर लेके जाना चाहता है, और पीपल हु वॉन्ट्स टू टेक देयर एवेंजर टू लद्दाख, पीपल हु वॉन्ट्स टू टेक देयर हीरो एक्सट्रीम टू लद्दाख, एनी बाइक और हीरो होंडा टू लद्दाख। सो एनी बाइक कैन गो टू लद्दाख। सो द थिंग इज दैट आज का जो टॉपिक होगा इसी के बारे में होगा। सो पीपल हु आर इन टू माई चैनल, प्लीज ये लेट अस कीप इट ऑन द माइंड कि आज का जो हम बात करेंगे, दो ही चीज़ लेके बात करेंगे। सो द फर्स्ट वुड बी मोटरसाइकिल्स। नाउ मोटरसाइकिल्स में आई डिवाइड इनटू फ्यू पार्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वुड बी टायर्स। Why I'm talking about tires is that the tire, हम लोग जो ऑन रोड ऑफ रोड वाले बोलते हैं, तो ऑन रोड टायर्स जो होता है जनरली the terrain is a quite different one. So जिसके वजह से बहुत डिफिकल्टी आ सकता है, तो at least we should have a 50% button on my tire. Now tires can divide into two tires. One is on-road tire, one is off-road tire. The on-road tires में कोई दिक्कत नहीं है, but कहीं कहीं पर slash, mud, बहुत कुछ आएगा, रॉक्स, बोल्डर्स, वेर यू टू क्रॉस, रिवर क्रॉसिंग्स, बहुत कुछ रहेगा। तो टायर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल ऑन इट। अगर आपका बाइक में बटन वाली टायर है, विच इज़ गुड, अगर बटन टायर नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर एटलीस्ट 50% ग्रिप है। बटन है तो बहुत अच्छा है। इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर टायर, ट्राई टू गो फॉर मिचेलिन, ट्राई टू गो फॉर JK टायर, C8। आई स्पेशली use a C8 tire. अगर front tire का बात करो तो try to use a soft compound Pirelli, which is called Angel City, very good tire, try to use that. So first would be tires. The second we'll talk about service. Now service has to be done on a regular interval. Why I'm saying is that service, अगर आपका bike आज service करके if I feel कि मैं कल सुबह लद्दाख जाऊँगा, not a right option. At least once when you do the service, you should use the bike for at least 100 to 200 kilometers. एक हफ्ता bike को use कर लो, get used to the bike and then try for it. But you should know a small basic servicing, क्योंकि क्या होता है, bikes like Pulsar, Avenger, Hero Honda, they tend to stop in high altitude. So क्या करना है, एटलीस्ट यू शुड नो अ बेसिक फंक्शन, जैसे कार्बोरेटर साफ करना, क्लीन करना, टैंक आप क्लीन करके जाओ, तो बेसिक जो होता है रिपेयरिंग वाली चीज़, यू शुड ऑलवेज नो इट। द नंबर थ्री इज दैट केबल्स। यू हैव गॉट क्लच केबल, ब्रेक केबल, गियर केबल, सो ये सब के लिए ट्राई टू हैव सम एडिशनल क्लच केबल एटलीस्ट, बिकॉज यू वुड बी प्रेसिंग मोर देन अ लैक टाइम ऑफ क्लच केबल। अगर आप नए राइडर हो, पहली बार लद्दाख या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहे हो, योर बाइक एक्चुअली गिव्स अप इन द सेंस, बाइक ऑल्सो रिक्वायर्स ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के लिए यू हैव टू एक्चुअली रन योर बाइक ऑन हाफ क्लच, कभी फुल क्लच, एंड देन दैट टू अर टेरेन लाइक दैट, योर बाइक समटाइम्स ट्राइज टू गिव अप। सो दैट रीज़न इफ यू हैव मनी, प्लीज़ कैरी अ क्लच प्लेट, क्योंकि बहुत जगह पर क्या होता है, ये सब जगह पर आपको मैकेनिक तो मिल जाएगा, जनरली पीपल हु हैव गॉट बुलेट एंड ऑल, उन लोगों का मैकेनिक मिल जाता है, बट पीपल लाइक द अदर बाइक्स जिसका मार्केट में ज़्यादा ये नहीं है, तो वो सब बाइक्स के लिए क्लच प्लेट वगैरह मिलना मुश्किल पड़ जाता है। इफ़ यू कैन कैरी अ क्लच प्लेट ऑल्सो। नाउ टॉकिंग अबाउट द बल्ब्स, बल्ब्स प्लीज़ मेक श्योर दैट द बल्ब आपका हाई बीम लो बीम ठीक तरह से काम करे। इट इज़ नॉट दैट योर हाई बीम इज़ वर्किंग, लो बीम इज़ नॉट वर्किंग, और लो बीम इज़ वर्किंग, योर हाई बीम इज़ नॉट वर्किंग। नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स, प्लीज़ मेक श्योर ऑल योर इंडिकेटर्स आर वर्किंग। और जो नए वाले बाइक्स है या फिर ओल्ड बाइक्स, आजकल ये सब बाइक्स में हैज़र्ड लाइट नहीं मिलता है, ट्राई टू गेट इंस्टॉल्ड अ हैज़र्ड लाइट जहाँ पे 4 इंडिकेटर्स ब्लिंक करता है, बहुत नॉमिनल प्राइस में 40-50 रुपीस में मिलता है, आपका ब्लिंकर्स मिलता है, वो लगवा लो किसी लोकल मैकेनिक से, विच विल हेल्प यू।
कमिंग अबाउट द नेक्स्ट अबाउट द चेन एंड चेन स्प्रॉकेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चेन, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राइड नॉट टू अंडरस्टैंड विद द चेन. कभी कभी हमको लगता है येस माई चेन इज़ फाइन, तो प्लीज़ मेक श्योर आप अगर चेन इफ़ इट्स नॉट न्यू एटलीस्ट आस्क योर मैकेनिक ये कितना किलोमीटर जा सकता है. आना जाना लेके इट विल गो समवेयर अराउंड 6000 किलोमीटर. आप कहीं से भी इंडिया से आ रहे हो, अगर चेन स्प्रॉकेट अच्छा नहीं है तो प्लीज़ चेंज इट. और अगर लगे कि अच्छा है तो मैकेनिक से पूछ लेना कहाँ तक कैसे चेन वो जा पाएगा. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर चेन, प्लीज़ मेक श्योर कि आप रोल ऑन का चेन यूज़ करो, सस्ता है. मैं अपने KTM में यूज़ कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड चेन. नाउ कमिंग टू मिरर्स, मिरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग क्या क्या करते हैं सिटीज़ के अंदर, देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन द रिमूव ऑफ द मिरर्स विच आर रियली बैड, बिकॉज वेन यू आर ऑन अ हाईवे यू नीड टू सी योर लेफ्ट राइट, आपका पीछे से ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, बाइक आ रहा है, कोई भी आ रहा है, सो इट सेव्स योर लाइफ. तो लाइफ सेविंग मैटर्स, प्लीज़ डोंट टेक अ रिस्क. मिरर्स थोड़ा बड़ा साइज का हुआ तो अच्छा है, अगर नहीं भी है ट्राई टू यूज़ अ कॉन्केव लेंस. मेरा बाइक पे मैंने छोटा छोटा दो लेंस लगाया, विच गिव्स अ वाइड एंगल लुक. अगर आपके बाइक में विंडशील्ड नहीं है, जनरली ये सब जो स्मॉल बाइक से इसमें विंडशील्ड होता नहीं है, मेरे KTM में भी विंडशील्ड नहीं था, मैंने विंडशील्ड आफ्टर मार्केट का लगाया. ट्राई टू गेट आफ्टर मार्केट विंडशील्ड, बिकॉज यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस इन अ विंडशील्ड, बिकॉज विंड ब्लास्ट जो होगा हाईवे पर आप जब चलाओगे इट विल गिव अ लॉट ऑफ विंड ब्लास्ट, तो बेटर यू यूज़ अ विंडशील्ड. Now talking about once again about lights, auxiliary lights, who doesn't want a better light actually? So better light whenever you're riding at night, your auxiliary lights are very important. Auxiliary lights, please don't buy those 400, 500 rupees or aux lights, because वो सामने वाले को कुछ भी नहीं दिखता है, आपको कुछ नहीं दिखेगा, सामने वाले का आँख में glare करेगा. So better you go for a bit expensive, not that expensive, because light, these are one time investment. It is not about Ladakh ride, it is about all time. So I have installed one pair of light which are called Mad Dog, which would be coming somewhere on 3000 to 3500 rupees, which gives a fair amount of decent amount of light. और सामने वाले का ग्लेयर नहीं करेगा. लाइट के ऊपर तो बहुत सारे वीडियो बन सकता है, आई मेक सम डे सम वीडियो. मैड डॉग तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉमिनल वन. देर आर मेनी लाइट्स. क्री CRWE उसका भी एक ब्रांड आता है. देर आर अदर ब्रांड्स कॉल देनाली एंड देन क्लियर वाटर, बहुत सारे ब्रांड्स है, दोज आर वेरी एक्सपेंसिव. नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स हैव अ गियर लीवर गार्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है, आप ऐसे टेरेन पे जाओगे, बाइक गिर गया, आपका लीवर टूट गया, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ विल यू राइड द बाइक, बिकॉज आपका गियर लीवर और क्लच लीवर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो ना ब्रेक हो जाए. देयर इज अ ब्रांड कॉल बग बस्टर इज अ बिट एक्सपेंसिव, 10,000 का आता है. वैसा ना भी करके आप यू कैन यूज अ प्लास्टिक वन में आपको क्या होगा, प्लास्टिक वन, इवन माई KTM हैज गॉट अ प्लास्टिक वन. अचानक बाइक गिर गया तो कम से कम गियर लीवर आपका टूटेगा नहीं, दैट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन. और सॉफ्ट आयरन टूट गया तो आपका लीवर आधा भी हो गया, आपके लिए मुश्किल होगा. सो बेटर यू कैरी एक गियर लीवर एक्स्ट्रा और एक ब्रेक लीवर एक्स्ट्रा विच विल हेल्प यू आउट. सो दीज आर द मोटा मोटरसाइकिल का सब कुछ मैंने लगभग कवर किया है, वॉट एवर यू रिक्वायर फॉर अ लद्दाख प्रिपरेशन. इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा, बाइक ज़्यादा ओवरलोड मत करना, बिकॉज देयर आर मेनी राइडर्स, दे फील माचो व्हेन दे ओवरलोड द बाइक्स विथ ऑल योर सैडल बैग्स पैनियर्स एंड मेटेरियल. क्योंकि ये टेरेन जो है ना, ये देखने में बहुत आसान है, यूट्यूब में देखने में बहुत मस्ती आता है, ये तो कुछ भी नहीं. जब वेन यू गो फॉर द फर्स्ट टाइम यू अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ रोड्स आर दिस. वैसे 2017 के बाद रोड काफ़ी अच्छा हो चुका है, बट स्टिल देन यू गेट वाटर क्रॉसिंग्स, यू गेट नो रोड्स, ऑफ रोड्स, बहुत कुछ रहेगा. अगर सब कुछ अगर सड़क बन गया तो फिर लद्दाख जाने का मस्ती क्या है, राइट? सो ट्राई टू नॉट ओवरलोड योर बाइक. अगर बाइक एक जाने से दो तीन दिन पहले वॉट यू नीड टू डू इज दैट लोड योर बाइक कम्प्लीटली, उसको ज़मीन पर गिराओ बाइक को, गिराने के बाद ट्राई टू लिफ्ट द बाइक. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू लिफ्ट द बाइक, बाइक अगर गिर गया तो कैसे उठाओगे, यू कैनॉट लिफ्ट इट लाइक दिस, इट इज़ नॉट अ बाईसाइकिल. सो यू नीड टू यूज़ योर शोल्डर का स्ट्रेंथ लगा के बाइक उठाना पड़ता है. दैट आई विल शो यू सम डे सम अदर वीडियो हाउ टू लिफ्ट योर बाइक, लेट इट बी वॉट काइंड ऑफ हैवी बाइक. अ गाय कैन मी कैन लिफ्ट अ बाइक, ऑब्वियसली वाई कांट यू गाइज. सो नॉट दिस इज ऑल अबाउट द मोटरसाइकिल, नॉट टॉकिंग अबाउट द हेल्थ. हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू गो फॉर अ
when you go for a terrain like this, because weather is unpredictable. कभी भी कुछ भी हो सकता है, बारिश, गर्मी, स्नो, गर्मी तो मिलेगा नहीं, बारिश, स्नो, रेनी सीजन, कुछ भी. सो इट इज़ ऑलवेज यू आर प्रिपेयर्ड फिजिकली. नाउ वॉट यू मीन अबाउट फिजिकल, आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो टू अ जिम एंड मेक योर सिक्स पैक, थ्री पैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स बनाओ, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. एटलीस्ट एवरी डे, वन मंथ बिफोर यू गो फॉर अ जॉगिंग, डू सम लाइट एक्सरसाइज, गेट योर मसल्स फ्री एंड एक्सरसाइज, डू समथिंग वेर यू कैन एक्चुअली physically fit to go to this kind of roads and terrain. So now talking about the mental is very important. Why I'm saying is that because jo hum log hindi mein kahavat hai, dur ke dhol suhane lagte, so it is very important you are mentally also with the bike, with the climate, with everything. Otherwise it is very difficult, because when you go to high altitude aapko suddenly altitude sickness ho sakta hai, kuch bhi ho sakta hai. So mentally you are prepared for everything. Chahe aap barf mein gir jao, barf mein phans jao, pani mein atak jao, kuch bhi ho sakta hai. So that's the reason getting mentally prepared for everything is very important. And khas karke main bataunga, whenever you feel that, you know, altitude sickness jab hota hai, you feel that very low, kabhi kabhi aapko low feel hoga, aapko lagega yaar main kyun aaya yahan pe, main phans gaya hu. Mere sath to ek bar aisa hua tha ki main snow mein phans gaya tha family ke sath, then I felt why did I come over here. So these are the mental conditions which are very important when you are riding or driving at these kind of altitudes. And khas karke main ek aur cheez bataunga, if you are going, carry 4 medicines with you which are very important. Baki medicine to hamesha rakhna, band-aid, first aid kit, everything you keep it with yourself. The first foremost is dimox zarur rakhna, because altitude sickness aapko kab aayega pata nahi. Aapko jis din aapko lage ki you are gaining heights, like if you are going to Khardungla, Changla, Tagalangla pass and all, that day if you are okay, इट्स ओके, डोंट डू एनी थिंग. खास करके अगर लगे आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होगा, पहली बार आपको उल्टी उल्टी टाइप आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड, तो हैव अ डायमॉक्स एटलीस्ट 2 hours बिफोर यू क्लाइंब द हाइट्स. द नेक्स्ट, आप कोशिश करो कि आप जहाँ से भी जा रहे हो साथ में जिंजर लेके जाओ. जिंजर थोड़ा थोड़ा मुँह में रखो, इट ऑल्सो गिव्स यू फ्रेशनेस, ऑक्सीजन, हर चीज. देन आई वुड से कैम्फर आप रखो, टेक इट ऑन अ हैंडकरचीफ, पुट द कैम्फर, कीप स्मेलिंग, it gives you oxygen. Use if you can, I know you cannot, agar mile popcorn use karo, you can eat popcorn even to get oxygen. So apart from this guys, one more thing which I want to say you, agar aapko ja rahe ho for the first time, try to carry oxy 99 which you get it from amazon.in se order do, kuch 4-5 bottle ka keemat aata hai, 500 rupees. I never used it. But in case if you feel low in oxygen and all, you can just, वहाँ पे एक mask मिलता है, mask मुँह में लगाओ, oxy 99 use कर सकते हो. Again it's a oxygen bottle, exactly इतना 200 ml का एक bottle आता है. So with that said, आज का ये motorcycle and health आप लोगों को बता दिया. कल का जो series होगा, that would be again divided into 2 parts. One would be riding gears and another would be things to carry. So things to carry, riding gears, अगले vlog में बताऊंगा. आज का vlog में बता दिया motorcycle and health. So these are the basic things जो आपको maximum riders लोग नहीं बताएगा. Basic how you need to prepare yourself for Ladakh ride. So with that said guys, thank you for watching this video. If you enjoyed this video, please don't forget to give this video a like and to subscribe to my channel. With that said, Raj signing off. To take care, God bless, bye bye. I'll see you soon on a brand new day with a brand new episode. Until then, bye bye, take care. Agar subscribe nahi kiya to please do like, subscribe, share with your friends and families, because I do make good content for you guys. So chalo agla video mein milte hain with other 2 parts of the next vlog. Until then, bye bye and take care.